नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर में। बच्चों, हम पिछले पार्ट में आपको पढ़ाए थे आवेश के बारे में, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश का क्या गुण है, विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उसका पार्ट वन नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। आज हम उसी का पार्ट टू लेकर के आए हैं दोस्तों, और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत। उस पार्ट को अगर जो भी स्टूडेंट देखे हैं, तो उसमें हम आपको बताए थे कि आवेश का जो गुण होता है ना, वो गुण बता रहे थे, और उसी में से आज हम उसी का पांचवां गुण बताएंगे। और पांचवां गुण में आपको क्या बताएंगे बच्चों, आवेश का क्वांटम सिद्धांत, आवेश का क्वांटमीकरण गुण क्या होता है, क्या बोलता है, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत। देखिए यहां फ्लैश हो रहा है, आवेश का क्वांटम सिद्धांत, चीजें क्लियर है बच्चों। देखिए आवेश का क्वांटम सिद्धांत होता क्या है, एक लाइन में समझिए। किसी आवेशित निकाय का कुल आवेश, किसी भी आवेशित निकाय का जो कुल आवेश है, वो उसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। नहीं समझ में आया, आइए हम लिखते हैं। देखिए बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी आवेशित निकाय का, अभी जो डिफिनेशन हम बोले ना वही लिखा हुआ है, किसी भी आवेशित निकाय का कुल आवेश कॉमा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हम आपको समझाते जाते हैं। लेट अगर हम मान लेते हैं कि मूल आवेश जो है, मूल आवेश अपना क्यू है, मान लिया अपना मूल आवेश अपना क्या है, मूल आवेश नहीं सॉरी कुल आवेश मान लेते हैं बच्चों, सबसे पहले कुल आवेश हम मान लेते हैं, कुल आवेश अपना क्या है, क्यू है। उसके बाद जो मूल आवेश है, मूल आवेश जो है अपना बच्चों ई है, और वो है पूर्ण संख्या क्या है अपना, ये तो एन है, चीजें क्लियर है, ये अपना पूर्ण संख्या है। और एन का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। तब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा बच्चों, समझिए, हम इसके अनुसार से लिख सकते हैं, दैट इज ये लिखा है कुल आवेश को मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, गुणज मतलब गुना, ये पूर्ण संख्या का ये मूल आवेश गुना होता है। तो कुल आवेश बराबर प्लस माइनस एन ई, ये अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, चीजें क्लियर है बच्चों, ये अपना क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें क्या है, ठीक है बच्चों। अब आगे आपको बताते हैं कि यह जो मूल आवेश है ना, ये ई जो है अपना मूल आवेश है, इसका वैल्यू फिक्स है, क्या होगा इसका वैल्यू बच्चों, तो इसका वैल्यू होगा प्लस माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये आप इसे याद रख लीजिए, इसका वैल्यू यह जो होता है बबुआ बिल्कुल फिक्स होता है। तो ये इसका था पांचवां गुण था, किसका गुण पढ़ रहे थे, आवेश का पांचवां गुण हम पढ़े ये, ठीक है बच्चों, क्या है आवेश का पांचवां गुण है। अब आगे आपको थोड़ी सी चीजें और समझा देते हैं। अब जो नया हेडिंग हम देने वाले हैं, और वो क्या देने वाले हैं, ध्यान से समझिए। देखिए हम लिख लेते हैं पहले चीजें, इससे पहले हम इस पे एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये लिखा हुआ है ना, साफ साफ पढ़िए, लिखा हुआ है एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चे आइए देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे ना, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हम गिवन, हमें दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन के अनुसार, 1500 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1500, मतलब एन का वैल्यू दिया हुआ है 1500। उसके बाद बोला है हमें मूल आवेश लेना है। अब मूल आवेश में बच्चों यहां सवाल उठता है कि सर मूल आवेश जो लें हम माइनस में लें कि प्लस में लें, तो बच्चों सवाल में अपना क्या लिखा हुआ है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अगर अधिकता बोले ना तो इसको माइनस में लेना है,
तो हम लेंगे 1 - 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। हम इसको माइनस में ले लिया। अगर सवाल में कमी बोला जाए ना बच्चों, तब इसको हम प्लस में लेंगे। चीजें क्लियर हो रहा है? अगर सवाल में प्लस भाई कमी बोला जाए, जैसे बोल दिया जाए कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कमी में हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लेंगे। और अधिकता, इस क्वेश्चन में देखिए अधिकता बोला है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो यहां पे हम क्या लेंगे बच्चों, निगेटिव में लेंगे। अब ये करने के बाद अब हम फटाक से क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है ना बच्चों। तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये अपना हो जाएगा 1500 N का मान गुना E का मान कितना लेंगे, -1.6 इंटू 10^-19 कूलम। ये हो गया अपना, ये हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसका हम दशमलव उड़ाते हैं, इसका पॉइंट देखिए सॉल्व कैसे किए, सॉल्व किए इसको। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भाग में पावर घटता है ना बच्चों, तो इस पे पावर कुछ नहीं, तो एक है। ये 19 में जो है एक क्या हो जाएगा, यहां देखिए, नहीं तो एक कम करते हैं, हम कटा देते हैं पहले बच्चों, यहां देखिए ये से इससे कटा देते हैं। अब इसको और इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 2400 - 2400 × 10^-19। ये आ जाएगा ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए, अब इसको जो है आपको इसमें जो है ये 1, 2, 3 अंक के बाद पॉइंट लाना है हमको, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, -2.4 इंटू, अब देखिए ये 3 2 पॉइंट इधर लाए ना, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, -3 हो जाएगा, तो 10^ इसमें घटेगा क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इतना कूलम निकल गया ये मेरा, इतना कूलम, और यही आपका आंसर है। चीजें क्लियर हो गया? ये इस तरह से इसका न्यूमेरिकल हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी न्यूमेरिकल आपको देगा, तो आप इस प्रकार से सॉल्व इसको कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो गया बच्चों? अब यहां पे सवाल उठता है कि सर यहां जो निगेटिव चिन्ह है, निगेटिव साइन है, ये हमें क्या चीज प्रदर्शित करता है? तो बच्चों निगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि आवेश की जो प्रकृति है, निगेटिव साइन हमें यह प्रदर्शित करता है कि आवेश की प्रकृति जो है वो ऋणात्मक है। क्या है बच्चों? ऋणात्मक है। आवेश की प्रकृति क्या है बच्चों? ऋणात्मक है। ये अपना चीजें क्लियर हुआ, ठीक है? यहां आवेश की प्रकृति क्या दिख रहा है? ऋणात्मक दिख रहा है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम आपको बताने वाले हैं वो होगा अपना चालक एवं अचालक। देखिए हेडिंग दे दिए हैं, चालक एवं अचालक। ये क्या है चालक, आपको इतना सा जानना है, ये चालक और अचालक होता क्या है, ठीक है बच्चों? आइए हम समझते हैं डीप में चालक और अचालक के बारे में। तो ऐसे पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है, ऐसे पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है, ये मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, वैसे है नहीं ये, अचालक है, लेकिन हम मान लेते, नहीं तो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे हम कॉपर का तार ले लिए या एल्युमिनियम का तार ले लिए, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से करता है, तो उसको कहेंगे हम चालक, कोई दिक्कत नहीं। अचालक किसको कहते हैं, हम अभी समझाए आपको। चालक क्या होता है बच्चों, चालक में जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या करता है बच्चों, आसानी से करता है। अब इसका उदाहरण अगर पूछेंगे तो इसका उदाहरण बहुत सारा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा Al, उसका संकेत Al, एल्युमिनियम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम इसके बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। चीजें क्लियर है बच्चों? और ये चांदी हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ये सब क्या है अपना चालक है।
ये सारा क्या है, चालक है, चालक पदार्थ है। ठीक है, अब रही बात सर अचालक क्या है, तो बच्चों अचालक जो होता है ना, जिन पदार्थों से होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, कुछ कुछ होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, तो ये हो जाएगा अपना एग्जांपल। रबड़ हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, तो ये सारा अपना क्या है बच्चों, चालक और अचालक पदार्थ है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, क्या बताया आज। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए। इसके पार्ट थर्ड में हम आपको बताएंगे कुलाम का नियम, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए इस भाई को दीजिए इजाजत।